हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो बेटा जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है अकाउंट्स हवेली के इस चैनल पर, जहां मैं लेके आता रहता हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियो। और आपको रेगुलर इस साल मिलने वाली है फ्री में क्लासेस, पूरा अकाउंट्स, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा बिजनेस स्टडीज। बस आपको करना है इतना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे आपको प्रेस करना है, ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। साथ में आप चैनल के वीडियोस जो भी आते हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगी जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या होती है, और साथ में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा जी शुरू कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा जी कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, जब हम हेल्प करते हैं किसी ऑपरेशन को करते हुए, एक दूसरे की जब हम हेल्प करते हैं बेटा जी, और ऐसा हेल्प करने के लिए हम बाउंड हैं क्योंकि हमारा ये ऑफिशियल जॉब है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, वहाँ ए बी सी डी इतने सारे एम्प्लॉयज हैं और वो सारे एम्प्लॉयज लगे हुए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी वर्क फ्लो को अचीव करने में, यानी कि कोई भी एक टारगेट है उनका, उस ऑब्जेक्टिव को उन्हें अचीव करना है बेटा जी। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ए बी सी डी ई जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे वर्किंग है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी, 11 के 11 एक ही उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं ऑफिशियली। वो अपने देश को जिताना चाहते हैं, अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, तो वो मिलकर काम करेंगे, मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। तो जब हम किसी काम को करने के लिए ऑफिशियली बाउंड होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो ऐसी ऑफिशियल हेल्प जिसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या रिजल्ट को अचीव करते हैं, उसको बेटा जी हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसी के साथ एक वर्ड और आएगा आगे जाके, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन। तो बेटा जी, जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की पर्सनल लेवल पर जाकर हेल्प करता है, अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से हेल्प कर देता है, तो बेटा जी उसको हम बोल देते हैं कोऑपरेशन। जैसे दो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते 4-5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उस दोस्ती के आधार पे वो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो दैट इज कोऑपरेशन। और बेटा जी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कि दो लोग आपस में मिलकर साथ में एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो अच्छे दोस्त क्यों भी क्यों ना हो, मतलब उनकी दोस्ती नहीं हुई है फिर भी वो ऑफिशियली बाउंड है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उसको बेटा जी हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो बेटा जी कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस था, ऐसे ही बेटा जी कोऑर्डिनेशन भी एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोसेस में हम इंश्योर करते हैं कि ऑर्डरली अरेंजमेंट करना है हमें। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इंश्योर करते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट किसका, इंडिविजुअल्स का और बेटा जी उनके ग्रुप एफर्ट्स का, ये इंश्योर करने के लिए कि यूनिटी ऑफ एक्शन है या नहीं है, ये चेक करने के लिए कि रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा। मींस हम सभी लोग मिलकर एक ही दिशा में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक सिक्वेंशियल तरीके से ऑर्डर में है या नहीं है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन एक ऑर्डरली प्रोसेस है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ही दिशा में यूनिटी ऑफ कमांड के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव करने के लिए वो काम करते हैं। तो इसी को बेटा जी हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ऐसी हेल्प ऑफिशियल हेल्प है, वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बहुत बाउंड है, उन्हें करना ही पड़ेगा। सर यहाँ देखिए आपने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के चारों तरफ इस इमेज में लिखे हुए हैं, अगर आप ढंग से देखेंगे बेटा जी, तो मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट की प्रोसेस लिखी हुई है यहाँ। और मैनेजमेंट की प्रोसेस में हमने क्या बताया था बेटा जी, आपको ट्रिक से याद कराया था हमने, कॉज डी के कंट्रोल। इस ट्रिक से बेटा जी हमने आपको मैनेजमेंट के फंक्शन याद कराए थे बेटा जी। तो यहाँ पर बच्चों बीच में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, चारों तरफ लिखे हुए मैनेजमेंट के फंक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका एक ही इशारा है कि कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट का जो आप परफॉर्म करेंगे वो बिना कोऑर्डिनेशन के पूरा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन के हर फंक्शन को, मैनेजमेंट के हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ये कोई मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये सभी पर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी एक्टिविटी है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है, या मैनेजमेंट का एक डेलिबरेट फंक्शन है, कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। तो इसको मैनेजमेंट का
आप डेलिब्रेट फंक्शन या एसेंस टू मैनेजमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट के फंक्शन वही पांच हैं। तो चलिए बेटा जी, अब बात करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि कोऑर्डिनेशन का नेचर कैसे होता है। जैसे बेटा जी मैनेजमेंट का नेचर था कि मैनेजमेंट एक परवेसिव नेचर का होता है, बेटा जी इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी एक परवेसिव नेचर का होता है। परवेसिव का मतलब होता है बेटा जी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत पड़ेगी। और वैसे अभी आपको बोल रहा था मैं, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन अगर हमें परफॉर्म करना है तो वो बिना कोऑर्डिनेशन के परफॉर्म नहीं होगा। मैनेजमेंट के हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन अपना रिजल्ट अचीव करना चाहती हैं तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जिससे पता चलता है ये एक परवेसिव फंक्शन है या ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है। साथ में बेटा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर। सर मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी में आप अभी पढ़ के आए हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो कोऑर्डिनेशन केवल ऐसा नहीं है कि सुपीरियर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट सब लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब लेवल को इसमें अपना योगदान देना होता है, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है जी। सर इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, बेटा जी कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। देखिए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, दूर दराज से आए हुए लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम कर रहे हैं, तो सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव करना। तो वो सारे एक चैन में, एक श्रृंखला में मिलकर काम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव कर पाए। तो जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, फर्दर दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी, तो ये बताता है कि ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो मिलकर काम कर रहे हैं, उन सभी का उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव कराना है। बेटा जी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लास्ट, इसके बाद इसका नेचर है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो आपको ये बता रहा है कि बेटा जी ये कोऑर्डिनेशन जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है, वो भी चलती रहेगी। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, जब तक उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी पड़ती रहेगी या चलती रहेगी। जैसे आपने शोले में मूवी देखी होगी, शोले जैसे उसमें बोलता है जब तक इसके पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेंगी, ऐसे ही करके था कुछ, आप अच्छे से समझ सकते क्या था वो डायलॉग, चलो वही कमेंट करके बता दो, वो तो आप अच्छे से समझते होगे। किताबें आपको याद रहे ना है, डायलॉग बाजी तो आपको याद रहती ही है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बेटा जी हम बोल रहे थे इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स को, साथ में हम बोल रहे थे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहती है। मैनेजमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन एक गोइंग कंसर्न है, वो हमेशा चलती रहेगी। इसी तरीके से नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये भी चलता रहेगा हमेशा की तरह। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। साथ में ये मैनेजमेंट का कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मैनेजमेंट का एक जुड़ा हुआ फंक्शन है, ये एसेंस टू मैनेजमेंट है, ये बात हम याद रख के चलेंगे। तो बेटा जी आगे बात करते हैं कि आगे हमने इन सभी के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको किन शब्दों में, किन सटीक शब्दों में आप इन बातों को बयां करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परवेसिव फंक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बहुत सटीक शब्दों में, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन उनको शब्दों में, सटीक शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्द आपके सामने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इनको बाद में लिख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी बेटा जी, आप इनको अच्छे से नोट्स मेकिंग में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, फिर से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड द डेलिब्रेट फंक्शन। चलिए बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इनको एक्सप्लेन करने के बाद। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अभी अभी मैं आपको बता रहा था बेटा जी कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है बेटा जी, ये तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा जी ये मैनेजमेंट की जरूरत है, इसके बिना मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, या बोले एसेंस ऑफ फंक्शन है, कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बट एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, याद रखेंगे एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है। जिस तरीके से लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड एंड कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, सभी मैनेजमेंट फंक्शन का ये एक हिस्सा है। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग इटसेल्फ प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। तो बेटा जी ये कह रहा है, यहां पर आपसे ये कहना चाह रहा है
जहां से प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है, जहां से आप प्लान बनाना चालू कर देते हैं वहीं से ही कोऑर्डिनेशन चालू हो जाता है। दैट मीन्स मैनेजमेंट के पहले फंक्शन से ही कोऑर्डिनेशन चालू हो जाता है और मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन तक ये चलता है। उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है और ये भी साथ साथ रिपीट होता रहता है। तो ये आपको बताना चाहता है कि सर ये प्लानिंग की स्टेज से चलता है और लास्ट तक चलता ही रहता है, इसलिए ये बहुत इसेंशियल है मैनेजमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेज पे इसकी जरूरत पड़ेगी फिर ये खत्म हो जाएगा। प्लानिंग में भी जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग में भी जरूरत पड़ेगी, स्टाफिंग में भी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टिंग में भी, कंट्रोल, हर जगह रिसोर्सेज का अरेंजमेंट है, हर जगह डायरेक्शन है, हर जगह सुपीरियर सबोर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देकर चल रहे हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की बात कर रहे हैं तो सर हर जगह ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे प्लानिंग हो, चाहे बेटा जी ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर के बारे में कि प्लानिंग में डिटेल में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिटेल में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं। तो जर्नली से एक बार देख लेते हैं बेटा जी यहाँ पर वो आपसे क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान एंड द सपोर्टिव प्लान ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो बेटा जी वो आपसे कह रहा है देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया मास्टर प्लान, उस मास्टर प्लान के रिजल्ट को अचीव कराने के लिए, यानी कि जो भी मास्टर प्लान, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको अचीव करने के लिए कौन काम करता है? सर उसको अचीव करने के लिए लोअर लेवल का मैनेजमेंट या मिडिल लेवल का मैनेजमेंट काम करता है। तो आपको नहीं लगता कि जब टॉप लेवल का मैनेजमेंट अपनी प्लान और पॉलिसी बनाए तभी वो मिडिल लेवल के साथ भी एक बार कोऑर्डिनेट कर ले कि हम इस तरीके से प्लान पॉलिसी बना रहे हैं, क्या ये अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, क्या हमारे पास इतना स्टाफ है या नहीं है, क्या इस तरीके के लोग हमारे पास हैं या नहीं है? तो सर अगर वो बात कर लेगा तो अच्छा रहेगा, और अगर वहीं पे नीड होगी तो इनिशियल स्टेज पे ही मास्टर प्लान में हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। तो सर कोऑर्डिनेशन तो यहाँ प्लानिंग से ही शुरुआत हो जाती है, फिर रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग में जहां हम रिसोर्स को असेंबल करते हैं वहां भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, हमें स्टाफिंग में स्टाफ को हायर करना होगा वहां भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि कैसा स्टाफ रखना है, किस तरीके का रखना है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसी तरीके से डायरेक्टिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, भाई आप सुपीरियर जब सबोर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, उससे कुछ कम्युनिकेट करेगा या उसको लीड करेगा तो इन दैट केस भी तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो सर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। लास्ट में कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हमने जो प्लान बनाए थे उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, तो सर ये देखने के लिए उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और अगर कोई डेविएशन यानी कि डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उन डिफरेंसेस को फिर से दूर करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। तो सर प्लानिंग से स्टार्ट होके कंट्रोलिंग तक आप कहीं चले जाइए आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप इनको सटीक और कम शब्दों में कैसे लिखेंगे ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए बेटा जी अब आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन की क्या इंपोर्टेंस होती है। तो बेटा जी कोऑर्डिनेशन की इंपोर्टेंस को यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हमने लिखा हुआ है, आपको भी यही लिखना है, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको यही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो बेटा जी जब पेपर में पूछेगा इंपोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन तो सबसे पहले आपको बताना है ग्रोथ इन साइज, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रोथ में है तो कोऑर्डिनेशन का क्या इंपोर्टेंस है। चलिए फिर से एक बार मैं आपको वही बात बोलूंगा कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, हमें ग्रुप एक्टिविटी में जो अलग अलग लोग हैं उनको इंटीग्रेट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन रिजल्ट हम अचीव कर पाए, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सर अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ है, ग्रोथ किसी भी टर्म में हो सकती है, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं ये भी ग्रोथ है, हमारी सेल्स बढ़ रही है ये भी ग्रोथ है, मार्केट में हमारी गुडविल या प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है ये भी हमारी ग्रोथ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं ये भी ग्रोथ है, हम एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा रहे हैं ये भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ बहुत सारी टर्म में हो सकती है। तो सर जब हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी सेल्स बढ़ रही है तो हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की जरूरत भी तो ज्यादा होगी, तो हम ज्यादा लोगों को रखेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता जब आपके यहाँ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन की इंपोर्टेंस और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे आपस में कोऑर्डिनेट तो हमें करना ही पड़ेगा, तो जितने ज्यादा लोग हैं और हमें उनसे कोऑर्डिनेट करना है, जैसे यहाँ पे बेटा जी पिक्चर में आप देखेंगे कि एक से हमारे पास दो तीन चार लोग और फिर वो फर्दर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कोऑर्डिनेशन हमारे लिए बहुत ही प्रबल हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा,
अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर तो कोऑर्डिनेट और अच्छे से करें, वरना ऑर्गेनाइजेशन अपने रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाएगी और आप कहीं भटक जाएंगे। तो सर, जब ग्रोथ इन साइज है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में चल रहा है, तो हमें एक दूसरे से बात करने की, कोऑर्डिनेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ के केस में है या ग्रोथ इन साइज की तरफ हम बात कर रहे हैं। चलिए बेटा जी, अब बात करते हैं डिफरेंट फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा जी, वैसे तो आप आगे जाके पढ़ोगे भी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम दो तीन तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, तो वो आगे बात करेंगे आपसे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा जी, मान लेते हैं ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब काम करने के आधार पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं। ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है बेटा जी, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है बेटा जी, और ये हमारा फाइनेंसिंग का डिपार्टमेंट है। ठीक, ये बेटा जी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब समझिए ऐसे कि हमारे डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नीड है रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना है जिसके लिए पैसा चाहिए। उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो भी पैसा चाहिए उसकी डिमांड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को बता दिया, हमें रॉ मटेरियल खरीदना, हमें प्रोडक्शन करना है, आप इतना फंड हमें अरेंज करा दिए, और ये कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा है इसको, ये इसको कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा, उसका आंसर ही नहीं कर रहा, हेल्प ही नहीं कर रहा एक दूसरे की। तो सर, अगर ऐसा नहीं करेंगे फंक्शनल डिफरेंशिएशन में, सारी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, इन्हें फंड की जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी और उनको फंड रिलीज करना पड़ेगा, वो कर ही नहीं रहे सर, वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे, तो सर इन दैट केस तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कोऑर्डिनेशन की जब हमारे फंक्शनल डिफरेंशिएशन होते हैं। यानी फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब जब हम फंक्शन के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, लोग अलग अलग समूहों में काम कर रहे हैं, तो उन समूहों में एक दूसरे के साथ बातचीत होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आप अपने रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सर बहुत जरूरी है डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। स्पेशलाइजेशन बेटा जी, बिग ऑर्गेनाइजेशन हैव हाई डिग्री ऑफ द स्पेशलाइजेशन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड द डाइवर्स वर्क। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, टू सेटल द डिफरेंसेस इन द ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी लपड़े में नहीं पड़ना चाहती, तो वो क्या करेंगी, उनके पास जो मैनेजर अवेलेबल है, मान लीजिए वो कहीं फंस गए, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मान लीजिए कोई लीगल वर्क में वो फंस जाते हैं, लीगल वर्क में उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है कि भैया वो एक ऐसे स्पेशलाइज आदमी को हायर करे जो लो के बारे में सारी नॉलेज या जानकारी रखता हो, और उससे वो नॉलेज एक्वायर करके ही आगे डिसीजन मेकिंग करें। तो मतलब आप उन इंडिविजुअल्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है किसी फील्ड में, क्योंकि आज के डायनामिक एनवायरमेंट में टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिमाग में रखते हुए अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उस स्पेशलिस्ट पर्सन को हायर करें और उससे बातचीत करें। अगर आपके पास वो पहले से अवेलेबल है तो उससे कम्युनिकेट करें जाके, भैया ये समस्या है, इसका हमें समाधान बता दो कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। तो सर, अगर हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, किसी स्पेशल केस में स्पेशल नॉलेज हमें चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आपने देखा नहीं है टीवी डिबेट्स में क्या करते हैं कि एक एंकर होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बैठा लेते हैं और फिर वो लाते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है, मतलब जिस भी मुद्दे पे बात चल रही है, मान लेते हैं डिफेंस आर्मी के केस में बात चल रही है, तो डिफेंस आर्मी का एक एक्सपर्ट लेकर आएंगे, तो वो एक्सपर्ट से क्या पूछते हैं, वो बात करते हैं, तो जब वो एंकर उस एक्सपर्ट से बात कर रही है, यानी कि कोऑर्डिनेट कर रही है और उससे पूछ रही है कि इस मामले में कैसे होता है, क्या ऐसे होता है या नहीं होता है, और फिर वो आपस में ब्लेमिंग करते हैं एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को, इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें वहां तक नहीं जाना, हमें यहीं रुकना है, और यहाँ रुक के हमें क्या देखना है कि अगर आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है तो भैया आप कोऑर्डिनेट कीजिए उस स्पेशल आदमी से जिसके पास ये स्पेशलाइज नॉलेज है। तो सर इन दैट केस भी हमें कोऑर्डिनेशन में जरूरत पड़ जाती है, स्पेशलाइजेशन में भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन में भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एंड लास्ट वन ग्रोथ इन साइज के केस में भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब लास्ट में बेटा जी बात करते हैं डिफरेंस की, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था कि देखो, जब दो लोग आपस में या दो से ज्यादा लोग आपस में जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ऐसी हेल्प ऑफिशियल बाउंडेड है, यानी कि ऑफिशियल नीड है उनकी हेल्प करना, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको सैलरी दे रहा है,
तो ऑर्गेनाइजेशन अगर सैलरी दे रहा है तो उस ऑर्डरली अरेंजमेंट में ए बी सी डी जिस भी स्टेज पर है वो आपस में मिलकर हेल्प करें और ताकि ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट हमें अचीव हो जाए। तो ऐसा करने के लिए वो ऑफिशियली बाउंड है, मना नहीं कर सकते इसी बात की सैलरी तनख्वाह उन्हें मिल रही है। लेकिन सर ये जो यहाँ लिखा हुआ है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन हम बोलते हैं पर्सनल रिलेशन। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं तो काम के बाद लंच होता है, टी ब्रेक होता है, ऐसा मान लेते हैं लंच टी ब्रेक में दो लोग आपस में मिलते हैं, साथ बैठ के लंच करते हैं, उनकी अच्छी बातचीत हो जाती है और वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एमरजेंसी के केस में एक आदमी घर से लंच नहीं ले पाता, उसके यहाँ कोई एमरजेंसी है, तो वो अपने दोस्त से बोलता भाई मैं कल लंच नहीं लेकर आ पाऊंगा, ये बात है। तो वो कहता टेंशन क्यों लेता है, अपने दोस्त के होते हुए तुझे ये दिन देखना पड़ेगा भाई, तेरा भाई लेके आएगा तेरे लिए। तो वो भाई जो कल उसके लिए लंच लेकर आएगा वो लेकर आएगा उनके पर्सनल रिलेशन के आधार पे। फॉर्म ने नहीं बोला कि तू उसके लिए लंच बना के ला, लेकिन उनके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो उस आधार पर लेकर आ रहे हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, यानी कि जब आप इनफॉर्मल हेल्प करते हो। एक होती है फॉर्मल हेल्प, फॉर्मल हेल्प को हम बेटा जी बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव करने के लिए जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वो फॉर्मल हेल्प हो गई। आप अपने पर्सनल रिलेशन के आधार पर जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसको इनफॉर्मल हेल्प बोलते हैं। तो बेटा जी इनफॉर्मल हेल्प होती है कोऑपरेशन में, फॉर्मल हेल्प होती है कोऑर्डिनेशन में। पर्सनल रिलेशन पे आधार होता है कोऑपरेशन का और ऑफिशियल रिलेशन पे आधार होता है कोऑर्डिनेशन का। तो इसी आधार पर यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में। तो बेटा जी ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अपने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा समझ आया होगा, लास्ट क्लास भी आपने हमारी अच्छे से देख ली होंगी। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें पहली क्लासेस का लिंक होगा, या आई बटन पे भी आपको वो मिल जाएगा, जाके वो क्लास भी देख लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका कोई लॉस ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपका टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ऐसा जरूर कर दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए घर पे रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे।